हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल बिगनर्स के लिए एक और चीज़ लेकर आई हूँ। बिगनर्स के लिए लेकर आई हूँ कि जाली, जब हम बोलते हैं जाली, आपने देखा होगा छेद वाले काफ़ी सारे डिज़ाइंस होते हैं, तो वो जाली किस तरीके से डाली जाए, वो कैसे डाली जाए, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, ये जैसे डाले हुए हैं, अब आपने यहाँ पे अगर दो फंदों के बाद जाली डालनी है तो आप पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बनाएंगे, और यहाँ पे हमने अगर जाली डालनी है तो हम इस धागे को ऐसे लपेट लेंगे। एक तो ये तरीका है। एक तरीका है सिंपल सा कि धागा यहाँ की तरफ किया और इसे आपने धागा यहीं रहने दिया और इसे सीधा बनाया, तो ये देखिएगा यहाँ पे जो है जाली डल जाएगी। फिर आपने दो फंदे बनाए और दूसरा तरीका दिखाती हूँ। तो था पहला तरीका कि आपने ऐसे किया इस तरीके से और इसे बनाया, ये तो था एक तरीका। फिर दो फंदे आपने बनाए, अगेन जाली डालनी है, धागा इस तरफ किया और इसमें से ऐसे डाल के सीधा बनाया, दो फंदे बनाए, अगेन धागा ऐसे किया और से बनाया। तो ये तो था एक तरीका कि जाली कैसे बनाई जाती है। अब उल्टी सिलाई करने के बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा, उल्टी तरफ नॉर्मल उल्टी करनी होती है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से इसे नॉर्मल उल्टा बनाना है। तो ये तो था एक तरीका कि जाली कैसे डाली जाए। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये जाली डल गई है। ये दूसरा तरीका बताती हूँ आपको। ये एक पहला तरीका था। अब आपने अगेन दो फंदे, तीन फंदे मैंने बनाए। अब जो डाल जाली डालनी है, अभी तक मैंने जो बताया पहला तरीका, अब ये दूसरा तरीका है। आप इसको इस तरीके से लपेटेंगे ऐसे, अगेन तीन फंदे बनाएंगे, यहाँ पे जाली डालनी है, धागा इस तरीके से लपेटेंगे, अगेन तीन फंदे बनाएंगे, जाली डालनी है, धागा ऐसे लपेटा, अगेन जाली डालनी है, धागा ऐसे लपेटा। अब देखिएगा, उल्टी साइड में नॉर्मल उल्टा करना है इस तरीके से। ये देखिए, ये दिखेगा आपको, ये ऐसे इसे यहां से डाल के ही आपने उल्टा बनाना है अगर जाली डालनी है तो। ये ऐसे, ये देखिएगा, ये डली है जाली। लेकिन इस जाली में हमारे साथ साथ जो है फंदे बड़े हैं, ठीक है। ये जो जाली हमने अभी डाली, इसके साथ फंदे हमारे बढ़ गए। क्यों? हमने एक एक लपेटा है तो ऑलरेडी वो बड़ा है, तो हमने घटाया नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी ऐसे डिज़ाइंस भी होते हैं जिनमें हमें जाली भी डालनी होती है और बढ़ाना, फंदा बढ़ाना भी नहीं होता है। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको ये बता देती हूँ। आपने ये बनाया, अब आपने यहाँ पे अगर जाली डालनी है, धागा आपने इस तरफ किया, हम ये दो फंदों को दो का एक करेंगे। अगेन दो फंदे बनाए हैं, फिर धागा इस तरफ किया और इन दो फंदों को हम दो का एक करेंगे, यानी कि जाली भी डलेगी और फंदा भी नहीं बढ़ेगा आपका। तो देखिए, यहीं पे दिख रही है ये जाली, अगर आप देखेंगे यहीं पे जाली दिख रही है। दो फंदे बनाए, धागा ऐसे किया, इन दो फंदों को आपने दो का एक कर दिया, अगेन दो फंदे, धागा अपनी तरफ, इन दो फंदों को आपने इस तरीके से बना। तो ये तरीका होता है कि जब हमें फंदे नहीं बढ़ाने होते हैं लेकिन जाली भी चाहिए होती है तो हम इस तरीके से उसे बनाते हैं। ये कहाँ कहाँ पे नॉर्मली यूज़ होता है, जैसे हम बच्चों के शूज़ के जब बनाते हैं तो उनके छेद चाहिए होते हैं उनका वो लेस डालने के लिए, तो
टोपी बनाते हैं उसमें चाहिए होते हैं, तो इस तरीके से हम तब करते हैं। या फिर अगर किसी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि जिसमें हमें जाली भी चाहिए और फंदा भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से ये आप तीन तरीके से मैंने बताया आपको जाली कैसे डालते हैं। देखिए कितनी नॉर्मली देखेंगे आप तो ये बहुत बड़ी जाली बनती है, पर ये और ये जाली बहुत अच्छी और सुंदर बनती है, थोड़ी छोटी बनती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनती है। तो इस तरीके से जाली ऐसे बनाई जाती है, ये जो मैंने आपको तीन तरीके बताए। थैंक यू।